इफ क्लास की हमारी दूसरी है, दूसरी टेस्ट है हमारे, हमने पिछले क्लासेस में आपके साथ बात की थी। टेस्ट फाइल में हमने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, अब हम बात करते 8 क्वेश्चंस की, 8 माफ कीजिएगा, 8 तक किया था, हम बात करते 9th क्वेश्चंस की। 9th क्वेश्चंस में हमारे पास सिंपल सा है कि इफ टैन इज वाई एंड अदरवाइज, मतलब कि एंड बोथ ऑफ जो है, मतलब कि पैन होना ही चाहिए और इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, मतलब कि बैंक में जब अकाउंट खोलने जाते हैं तो बैंक आपसे बात करता है कि मुझे 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन इज कंपल्सरी, पैन के अलावा आप कोई भी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर इसी चीज को मुझे अगर करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब कि स्टेटस चेक करना हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि टेन इक्वल टू वाई एंड रेस्ट ऑफ द ऑल हैव एनी वन वाई, देन शो स्टेटस ओके अदरवाइज पेंडिंग। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे एंड का, क्योंकि इसमें एंड और दोनों की है, तो एंड के अंदर में हम वाई को रखते हैं, जो टेन को रखते हैं। यहाँ पे दे दिया हमने वाई कि टेन इक्वल टू वाई, उसके बाद हम और देते हैं, मतलब एंड को दो चीज चाहिए, एक आपका पैन दे देगा और एक आपका और दे देगा, क्योंकि दो जो चाहिए वो तीन में से आ रहा है, तो तीन जो है हम वाई के इसमें और के अंदर में रख देंगे। ठीक है सुशांत जी, ये रहा। साकेत जी समझिए सर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ज्यादा समझना है तो आप उसको एवलेट कीजिए, यहाँ फॉर्मूला बार में जाके एवलेट फॉर्मूला। जब फॉर्मूले को एवलेट करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा इसका एक्चुअल कैसे वर्क कर रहा है। तो देखिए y इक्वल टू y ट्रू आ गया, देन यहाँ पे y इक्वल टू y ट्रू एंड यहाँ y इक्वल टू y फॉल्स। तो क्या हुआ कि एंड को एक ट्रू मिल गया पहला, और को दो ट्रू एक फॉल्स मिला, और कहता है कि अगर आपके पास एक भी ट्रू और एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू देगा, राइट? मतलब कि रिजल्ट, और का कहना है कि मुझे एक भी ट्रू मिला तो मैं रिजल्ट ट्रू ही दूंगा, इसलिए रिजल्ट ट्रू ही दिया, और एंड को कोई फॉल्स मिला नहीं इसलिए रिजल्ट ट्रू देगा। समझ आ गया जी? अब इसको मुझे ओके और पेंडिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे। अब इसी चीज को मान लीजिए मुझे इफ के जरिए करना है, तो मैं यहां पे इफ का फॉर्मूला लगाया और सबसे पहले चेक किया कि टैन इक्वल टू वाई है या नहीं, क्योंकि पैन वाई होने पे मुझे रिजल्ट नहीं देना है। उसके बाद हम दूसरा चेक करेंगे कि अगर वोटर इक्वल टू वाई है, अब पैन उसको वाई मिल गया, वोटर भी वाई मिल गया, तो रिजल्ट ओके दे देगा, राइट सर? अगर पैन वाई है और वोटर वाई नहीं हुआ तो फिर वो तीसरा इफ यहां लगाएगा, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए कि हमने पहला इफ लगाया, फिर दूसरा इफ हमने पहले इफ के फॉल्स ट्रू पार्ट में दिया, बट तीसरा इफ दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में दिया, तीसरे इफ के, सॉरी। देखिए यहाँ पे पहला इफ दिया, तो पहला इफ जो है, पहला इफ के बाद जो दूसरा इफ है पहले इफ के ट्रू पार्ट में है, बट तीसरा इफ जो है फॉल्स पार्ट में, क्योंकि तीसरा करेक्ट इफ तब चलेगा जब पहला इफ फॉल्स होगा। अगर उसको यहीं पे वाई मिल गया तो फिर आगे कौन चेक करेगा, बोटरी वाई मिल गया तो क्यों क्यों चेक करेगा, यहीं से ओके देगा और आगे इग्नोर कर देगा, आगे तब चलेगा जब इफ फॉल्स आएगा। उसके बाद इसी तरह से इसी कंटिन्यूस को हम आगे की तरफ फॉलो करते जाए। और अदरवाइज पेंडिंग, लेकिन यहां पेंडिंग 2 बार देना होगा। ये आपका ए इफ क्लोज हुआ, ए इफ क्लोज हुआ, ए इफ क्लोज हुआ,
बट ए इफ क्लोज, इसका तो फॉल्स पार्ट नहीं रहा ना पहले वाले इफ का, तो पहले वाले इफ का हमें फॉल्स पार्ट देना होगा पेंडिंग, एंटर प्रेस कीजिए आ गया। अब इसको और समझना है तो ये देखिए कैसे वर्क कर रहा है, वो पहले इफ को चेक किया वाई निकला, फिर दूसरे इफ को चेक किया यहाँ पे ट्रू निकला, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा लाइन कर दिया, अभी बाकी इफ को नहीं चलाएगा, वो सीधे ओके को शो कर देगा, ओके और पेंडिंग, राइट। अगर मान लीजिए पहला इफ ना होता, एक दूसरा मतलब कि पासपोर्ट होता, तब क्या होता, तब इसने देखा कि पहले पहला इफ चला फिर दूसरा इफ चला, दूसरा इफ फॉल्स है, तो फिर वो तीसरे को यहां पर अंडरलाइन, तीसरा अंडरलाइन हो गया, तीसरे को रेफर किया, तीसरा इसको ट्रू मिल गया, अब बाकी नहीं चलाएगा और यहीं पे ओके डाल देगा, और फिर इसी इफ को फॉल्स और ओके, फॉल्स में एन ए है और ओके, तो फॉल्स होगा तो ओके शो करेगा ही, इसे ओके शो कर दिया, और पहले वाले इफ को ट्रू ओके और पेंडिंग मिला, राइट। अब मान लीजिए किसी ने पैन नंबर नहीं दिया तो क्या होगा, उस पहला इफ चला, पहले इफ को यहां पे फॉल्स मिल गया, अब बाकी कोई इफ नहीं चलाएगा क्योंकि तो इसको सीधे पेंडिंग दे देना है, राइट। मतलब पैन मैंडेटरी है इसलिए। जी हाँ, क्लियर है। तो ये हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन, और एक और तो मैंने पढ़ाया ही था आपको कि XOR फॉर्मूला जो होता है इसका ही होता है। अब बात आती है कि XOR फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है XOR फॉर्मूला हम यूज कहाँ पे करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो कॉलन है, एक हमारी कॉलन है एडवांस, दूसरा कॉलन है हमारा ओवरटाइम, मतलब मुझे इसमें एंट्री करना है। अगर मान लीजिए किसी को मैंने एडवांस 5,000 दे दिया है, तो नियम कहता है कि आपने एडवांस अगर उठा रखे हैं तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ओवर टाइम अगर आपने उठा लिया तो आपको एडवांस नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मैं जे और के कॉलर में से किसी एक की एंट्री कर सकता हूं, दोनों में एंट्री नहीं कर सकता। अगर मैंने जे में एंट्री कर दिया तो के एंट्री एक्सेप्ट नहीं करना करना चाहिए, अगर के में कर दिया तो जे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को? हेलो, फिर से बता रहे क्या कह रहे हैं। मतलब कि जिसने सैलरी एडवांस, जिसने एडवांस पैसा उठाया है उसको ओवर टाइम नहीं देना है, और जिसने ओवर टाइम उठाया है उसको एडवांस नहीं देना है। ओके मान लीजिए यहाँ पे नेम है, नेम समझ लीजिए, नेम डाल देते हैं, नेम से अब कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। कि पूजा ने एडवांस उठा लिया है और आपका मोहन ने ओवर टाइम उठाया है, पूजा के अगले कॉलम में ओवर टाइम अगर 200 टाइप करना चाहूं या 2,000 टाइप करना चाहूं तो टाइप ही ना करने दें, और सेम हम मोहन के इसमें टाइप करना चाहे मान लीजिए 4,000 तो टाइप ही ना करने दें, समझे। मतलब कि दोनों सेल में से किसी एक सेल में ही एंट्री होगी, दोनों में एंट्री नहीं होगी। नहीं हो तो सेम चीज आपका यहाँ XOR का है, XOR कहता है कि दो कंडीशन आप मुझे दोगे तो मैं फॉल्स दिखाऊंगा, एक कंडीशन दोगे तो मैं ट्रू दिखाऊंगा। अब एक कंडीशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाँ समझ। तो यहाँ पे एक चीज हम हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है, हमें एंट्री से रोकना है, तो इसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन यूज करना होगा, और डेटा वैलिडेशन में होता है कस्टम, और कस्टम में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेम एक्स और का फॉर्मूला, एक्स और में हमने बोला कि जे टू इज ग्रेटर देन 0 और फिर के टू इज ग्रेटर देन 0, समझ गए। और इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और यहां डेटा वैलिडेशन में जाएंगे,
लिस्ट में जाएंगे और यहां हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कस्टम में आकर माफ कीजिए, कस्टम में जाना है ना, ओके। अब इन दोनों को कॉपी कीजिए और जहां तक आपको पेस्ट करना है वहां तक पेस्ट, सॉरी कॉपी हट गया, पेस्ट स्पेशल, और इसमें वैलिडेशन होता है, तो सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट होगा, बाकी चीजें पेस्ट नहीं होगी। अब मान लीजिए कि मैं यहां पे अगर कुछ टाइप करूं तो टाइप नहीं होने दे, नहीं होने दे रहा है, यहां पे कुछ टाइप करूं तो नहीं होने रहा है। अब मान लीजिए यहां पे मैं उदय का 6000 डाल दिया तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे 200 इसमें डालूंगा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब कविता का मान लीजिए कि मैंने ओवर टाइम 9000 डाला, ले लिया, लेकिन जैसे 900 एडवांस डालूंगा नहीं लेगा, राइट? सुशांत जी आपको समझ में आया? तो नौवां नंबर क्वेश्चन है। अब दसवें नंबर क्वेश्चंस में हम आगे आते हैं जो कि आप लोगों ने नहीं किया था। दसवां नंबर क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, हालांकि राजेश जी और राकेश जी आपको तो समझा चुका हूँ, लेकिन सुशांत जी नए हैं, समझाता हूँ। देखिए दसवां नंबर क्वेश्चन सेम आपका जो आठवां नंबर क्वेश्चन है उसी पे डिपेंडेंट है, और इसी तरह से फॉर्मूला लगेगा, बस जो यहाँ हमने राउंड फिगर में नंबर दिए हैं इसके जगह पे हमारा कैलकुलेशन आएगा। तो क्या है, जैसे बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसका स्लैब है, मतलब कि अगर किसी ने 35 सेल किया उसको 35 मल्टीप्लाई बाई 20 देना है, क्योंकि 35 यहाँ पे 0 से 40 तक 20 रुपए के हिसाब से है। अगर किसी ने 45 सेल किया तो इसमें दो स्लैब पार किया, उसने 20 रुपए के हिसाब से 40 पीस किया है और 60 रुपए के हिसाब से उसने कितना किया है, 5 किया है। तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाई 20 और 5 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दिया। सेम उसी तरह से यहाँ पे 100 वाला स्लैब में अगर 85 किया है तो इसने 40 20 रुपए के हिसाब से किया है, 40 60 रुपए के हिसाब से किया है और 5 जो है 80 के हिसाब से किया है। ऐसे 120 अगर सेल हुआ तो 40 20 के हिसाब से, 40 60 के हिसाब से, 20 80 के हिसाब से और 20 फीस 100 के हिसाब से किया है। इस तरह की कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे ग्रेटर देन लेस देन जीरो है तो मतलब कि 40 से नीचे है, सॉरी जीरो नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 40 से नीचे है तो यहां मल्टीप्लाई कर दे 20। फिर वापस हमने इफ लगाया, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए 60 से नीचे है, 60 नहीं सॉरी 80 है, 80 से नीचे है तो क्या करें। सबसे पहले अब यहां पे 40 मल्टीप्लाई बाई 20 मैं कर रहा हूं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 800 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। फिर इसमें से माइनस होगा 40, क्योंकि 40 में दे चुका हूं, जो 5 निकलेगा कैसे, माइनस करने पर निकलेगा ना सर, मल्टीप्लाई बाय, और बोर्ड मास मेथड के जरिए आप इसके अंदर फॉर्मूले ए डालते चले जाइए बाय गेट्स। अगेन हमने इफ लगाया और इफ में हमने इसको बोला कि लेस देन वन हंड्रेड तो क्या हो, इसमें आपका 40 जो है 20 के हिसाब से जाएगा, प्लस जो सेम कैलकुलेशन जो हम यहां कर रखे वही करना होगा, ठीक है आपको, 40 जो जाएगा वो 60 के हिसाब से जाएगा, प्लस ये आपका B2 माइनस 80, क्योंकि हम 80 दे चुके हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इससे 20 नहीं है 80 से, ठीक है। फिर यहां पे एक हम बोलेंगे
ग्रेटर देन 100 है तो क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस अगेन 40 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस ब्रैकेट में बी टू माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर एंटर मार दिया, रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो आप देखेंगे कि आठवें नंबर पे जो हमने कंडीशन लगाया था सेम कंडीशन है, बट ये जो नंबर है इस नंबर के जगह पे जो नंबर है इस नंबर के जगह पे हमने ये जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को फिट किया है। ठीक है सुशांत जी, आपको समझ में आया? अब आठ ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन उस पर चलते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, इंटरेस्ट। अब इसका स्टोरी एक बार सुन लीजिए, स्टोरी क्या है। तो स्टोरी ये है कि एक बिल्डर है जो कि बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग बनाने के बाद उसको बेचता है। तो बिल्डिंग बनाना जब शुरू करता है तो वो लेता है बुकिंग, मतलब कि आप अपना फ्लोर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं, और बुकिंग करने के लिए वो बुकिंग जो एमआरपी है उसका 10% बुकिंग अमाउंट लेता है। अब इसको 5 फ्लोर तक की बुकिंग करने की अथॉरिटी दी गई है, 5% से ज्यादा बुकिंग नहीं कर सकता है और 10% मिनिमम जो है बुकिंग अमाउंट उसको लेना है। देखिए क्या होता है, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि बुकिंग अमाउंट समय पैसा कम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गया और मैं बोला भाई 25 लाख का फ्लैट है, 2.5 लाख रुपया देना था, लेकिन सडनली मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई तो मैंने 1 लाख खर्च कर दिया, तो मैं 1.5 लाख के लेके गया। तो बिल्डर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपया लिए हम आपकी बुकिंग कर देते हैं, बट आपको जो है पैसा 20 महीने के अंदर जमा कर देना। 20 महीने के बाद अगर पैसा जमा करते हैं तो मैं आपसे कोई इंटरेस्ट क्या बोलते हैं आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं करूंगा, बट आपको जितना महीना आप लेट करेंगे उतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने 25वें महीने जमा किया तो 1 लाख रुपए था आपका, तो आपको जो है 1 लाख रुपए का 5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 17% ईयरली के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट हम लेंगे आपसे, राइट। तो इसमें मुझे चाहिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए सबसे चाहिए पहले चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा एमआरपी का 10% माइनस बुकिंग अमाउंट, राइट सर। मुझे चाहिए रेट, रेट क्या है इक्वल 17% डिवाइड बाय 12 मंथली निकल गया है, और मुझे चाहिए टाइम, राइट। तो टाइम के लिए आप एक फॉर्मूला, अलग फॉर्मूला है, लेकिन एग्जैक्ट चाहिए आपको तो डेटेड इफ का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, डेट डीआईएफ डेट डिफरेंस को बोलते हैं, एडिंग फॉर्मूला होता है। इसमें आप डाल दीजिए स्टार्ट डेट और डाल दीजिए टुडे। टुडे क्या करता है, करेंट सिस्टम फॉर डेट का निकालता है, सिस्टम डेट जो आपके यहाँ डेट दिखता है डेट निकालता है। और डिफरेंस किसमें चाहिए, मंथ में, तो इन्वर्टेड कॉमा में एम डाल दीजिए। देख लीजिए डेटेड फॉर्मूला क्या है, हमें स्टार्ट डेट टुडे डाल दिया एंड डेट के लिए, या कोई डेट आपके पास है तो वो डाल दीजिए, और एम कर दिया मंथ। तो इसने एग्जैक्ट मंथ निकाल दिया कि कितना महीना आपने लेट किया है। अब कुछ लोग इस महीने में +1 कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये जो कैलकुलेट करेगा ये जो करेंट महीना है उसको कैलकुलेट नहीं करता है, महीना पूरा होने में कैलकुलेट करता है, तो एक कम देगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 तारीख को जमा किया तो 10 नवंबर का आपका जो है महीना एक कैलकुलेट नहीं करता है, तो 10 महीना आपका हो जाएगा। आप महीना एक दिन जोड़ देना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, अगर नहीं जोड़ना चाहते तो नहीं जोड़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 94 महीना, लेकिन हमें तो 20 महीने का इंटरेस्ट नहीं लेना है ना सर, तो 20 महीने को हम यहां से माइनस कर देते हैं 20 माइनस कर दिया, तो मेरा 1 लाख रुपया आ गया, रेट आ गया, प्रिंसिपल आ गया, बट अब इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है।
क्या कर देना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये आपका रिजल्ट आ गया, आ गया। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहां फ्लोर भी तो देखना, हमारा छठा फ्लोर हुआ तो छठा फ्लोर तो जीरो होना चाहिए ना इंटरेस्ट, कोई छठा फ्लोर तो बुकिंग करना नहीं है। आपको कंडीशन देना होगा एंड का, कि एंड ए जो है, ए जो है हमारा ए होना चाहिए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंसिपल जो है होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और आपका टाइम जो होना चाहिए ए भी होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ऐसा अगर हुआ तो क्या करना है, हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज हमें कर देना है 0, ठीक है। अब जैसे मैं चौथा फ्लोर करूंगा आ जाए, मान लीजिए मैं 2.5 लाख रुपए, मैं यहां पे 2.5 लाख से 2.5 लाख जमा कर चुका हूं, तो 0 हो गया। मान लीजिए टाइम पूरा नहीं हुआ, मैंने 1 के ऊपर की बुकिंग किया है, अगेन 0। अब एक जो फॉर्मूला मैंने अलग अलग सेल पे लगाया है, अब आपकी ड्यूटी है कि इस फॉर्मूले को क्लब कीजिए, जैसे कि मैंने यहां पे क्लब कर रखा है, ठीक है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला मेरे हिसाब से हो गया खत्म। अब आप लोग इसको अपने हिसाब से खत्म कीजिए, और फिर हम अगली कैटेगरी, नहीं अगली कैटेगरी माफ कीजिएगा, इस फॉर्मूला अभी खत्म नहीं हुआ है, इस फॉर्मूला में अभी कुछ मिसलेनियस फॉर्मूला बचे हुए हैं जो कि हम कल बताएंगे, जैसे कि IFS इफ्स का, स्विच का फॉर्मूला, नॉट का फॉर्मूला, समझ गया ना, ऐसे फॉर्मूला मिसलेनियस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। सर आज का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं मोबाइल पे लॉगिन था तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। मैं जरूर